हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। खबर राय से है, जहां राय के सबोली गांव में बीजेपी नेता मोहनलाल बडोली ने खिलाड़ी विनय कुंडू को सम्मानित किया और खिलाड़ी विनय कुंडू को आशीर्वाद दिया। इस दौरान बीजेपी नेता मोहनलाल बडोली ने कहा कि विनय कुंडू के जीतने से बच्चों में भी खेल के प्रति जागरूकता आएगी। साथ ही कहा कि विनय ने हरियाणा और सबोली गांव का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि चीन में आयोजित हुए एशियन गेम्स में कई देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें विनय कुंडू ने कांस्य पदक जीता, जिसके बाद सबोली गांव पहुंचने पर विनय कुंडू का परिवार, विधायक, मार्केट कमेटी चेयरमैन समेत कई लोगों ने सम्मानित किया और विनय कुंडू को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दिया और कुंडू से उम्मीद जताई कि वो अगली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। का विनय कुंडू है जो 10वीं एशियन गेम्स हुए चाइना के अंदर, उसमें ये ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया है और आज हम सभी ने, गांव वालों ने और सभी हल्के के निवासियों ने आज विनय कुंडू जी का सबोली गांव में स्वागत किया है। पूरी देश के अंदर, पूरे देश का, दुनिया के अंदर नाम रोशन किया है विनय कुंडू का और मैं इनके माता पिता का और इनके कोच साहब का, जिन्होंने ट्रेनिंग देने का काम किया। एक कोच का बहुत बड़ा योगदान इस प्रकार के मेडलों के अंदर रहता है और कोच साहब का इसका बहुत बड़ा योगदान है और सबका। हम आज विनय कुंडू जी का गांव सबोली में पहुंचने पर बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रकार के जब गांव के अंदर जीत के आते हैं तो बाकी जो समाज के और बच्चे हैं हमारे, वो खेल की तरफ बढ़ेंगे और खेल के साथ साथ वो देश का भी नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का भी नाम रोशन करेंगे। 10th एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप ब्रुनेई में हुई थी, मेरा वहां पर ब्रॉन्ज मेडल आया। इसमें मेरे घर वालों का और कुछ साहब का बड़ा योगदान रहा और सरकार ऐसी मदद करती रही, तुम आगे और बड़े लेवल पर मेडल लाऊंगा।